नेताजी, इस जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आए दिन निरंतर घटती जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस दुखद घटना से, बहुत ही निंदनीय घटना है, इस दुख की घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है, हम लोग भी स्तब्ध हैं, घोर निंदनीय है। इस तरह की पहली घटना नहीं है, 4.5 साल में भाजपा के राज में लगभग रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटनाओं से पूरा प्रदेश बेहाल है। क्षेत्र में आपकी ही पार्टी का विधायक रहता हुआ भी आपके क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आपकी पार्टी का ही विधायक है, आपके क्षेत्र का विधायक है, तब भी आपके ही क्षेत्र में सुल्तानपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं जी। भाजपा राज में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है जी। इस पर हम लोग जन आंदोलन भी करते रहते हैं जी, जनता को बताने का भी काम करते हैं जी, लेकिन प्रदेश सरकार सो रही है जी, उसके कान में जू रेंग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में जनता खुद उनको जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से इस पीड़ित परिवार की क्या सहायता की जाएगी? अभी हमने स्वयं 1,00,000 रुपए का पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से मदद किया है जी, और हर संभव जी पूरी मदद की जाएगी। पूरी समाजवादी पार्टी जी पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है जी। इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्तुत करेंगे जी, वहाँ से भी पार्टी फंड से भी मदद कराने का मैं भरोसा देता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके पीड़ित परिवार के लिए जो बन सकेगा वो साथ दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है जी। जैसा कि मृतक के परिवार वालों का कहना है कि जो है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही इनको दिलासा प्रशासन की तरफ से दिलाया जा रहा है कि सब नॉर्मल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के तरफ से हमें मांग करते हैं कि पुनः पोस्टमार्टम किया जाए जी, पीड़ित परिवार को 2 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए जी, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की मदद सरकार की तरफ से की जाए जी, पीड़ित परिवार को पक्का मकान निर्माण करा कर दिया जाए जी, पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाए जी, इसकी हम मांग करते हैं सरकार से। जैसे पीड़ित परिवार को कहना है कि हमको केवल न्याय चाहिए। हम गाड़ी चला गया था, दोनों गए थे और जो ना कि वहाँ से हम नाव में बैठ के नहीं, हम नाव खुल गई, हम बह गए जी, और उसका कोई पता नहीं है। जिसके साथ गए थे बुला करके पंकज सिंह बताए कि हाँ नाव खुल गई थी, बह गए थे, हमको कोई पता नहीं थी। नशा प्रशासन से क्या मांग करते हैं? नशा में सो गए। आपकी मांग क्या है? प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? हमको मजबूती होना चाहिए सर। अरे मजबूती कैसी लेना चाहते हैं प्रशासन से? मजबूती आपको प्रशासन यह है कि सर केस लगनी होना चाहिए जी, फिर भी हमको कुछ मिलना चाहिए सर। हमारे पास हमारी कमाई खेती बाड़ी, वही बेटा एक था जो जीवन यापन का साधन करता था। बेटा तो 4 है सर, झूठ नहीं बोलना है जी, नहीं कमाने वाला वही वही व्यक्ति था, बाकी 2 अपन अलग है, उनको कोई सहारा नहीं है, उनके बाल बच्चे। मतलब प्रशासन से मांग है कि आर्थिक सहयोग करें कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ करें सर। हमारे पास प्रशासन से ने आपको क्या आशा दिलाया है? आपसे क्या बताए हैं, क्या कह के गए हैं? क्या कह के गए हैं सर? क्या नाम को 200-300 का नाम को 2 लगा दिए हैं, बाकी जो ना छोड़ के जमीन बता दे हैं सर, कि वो प्रधान की वजह से थोड़ा घर द्वार बच्चे के लिए, लेकिन वो हमको आसान नहीं है, मिलेगा नहीं। इतने आश्वासन से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं है। ये आपको कॉलोनी देने को वादा किए हैं? नहीं नहीं, किए कहे थे। लेकिन कौन कहा था प्रशासन में, कौन कहा? अरे वैसे कहे थे, दूसरा कोई कहे था, लेकिन हमको नहीं विश्वास है, हमको मिलना है। यदि आपको पंकज सिंह से पैसा मिल जाए तो क्या आप ये मामला सुलटा लेंगे? नहीं। जो पैसा से जान लोगेगा जी, हाँ जमीन दिया कि जो हम फर्स्ट रुक रहे हैं, जान की कीमत पैसा नहीं है कहने मतलब नहीं जी, जान होता है। ठीक ठीक।